ये देखो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पूरे दो दिन के बाद हम लोग निकले हैं, क्योंकि पिछले दो दिनों से कंटिन्यू ही बारिश हो रहा था, तो हम लोग नहीं निकल पाए। और आज हम लोग निकले हैं, डेली निकल रहे हैं ना, तो अगर हम लोग एक दिन भी ना निकले ना, तो पता नहीं कैसा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मॉर्निंग को ना बहुत कुछ देखने को मिलता है और मुझे अच्छा भी लगता है। लोगों ने वीडियो में देखा कि इतने सारे मंकी से, मुझे लगता है कि ये लोग भी पिछले दो दिनों से नहीं निकल पाए थे, और आज बारिश नहीं है इसलिए ये लोग भी निकल गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और आज भी हम लोग एक नए रास्ते से होके जा रहे हैं, पता नहीं इस रास्ते में हमें मंकीस मिलेगी या नहीं, क्योंकि उधर से हम लोग तो जाते ही है, तो सोचा आज क्यों ना एक नए रास्ते से होके जाए। और माँ इस रास्ते से कभी भी नहीं गई, पको याद था मैं शायद गई थी एक बार, मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं है, तो आज उसी रास्ते से हम लोग जाने वाले हैं। और आज पता है क्या हुआ, हम लोग निकलने वाले थे तभी थोड़ा थोड़ा बारिश स्टार्ट हो गया, फिर हम लोग निकलना मतलब कैंसिल कर लिया हम लोग ने। और उसके मतलब बारिश एकदम से देखा कि अभी बारिश नहीं है, तो हम लोग ने फिर से हम लोग निकल गए। ये रास्ता भी अच्छा है, एकदम साफ है, लोग आज भी शायद नहीं निकले, उन्हें लगा कि बारिश होगा जिससे हमें लगा था, हुआ तो नहीं। आज मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं दिव्य के घर, मतलब हम लोग आज बहुत दिनों के बाद हम लोग षष्ठी पूजा में गए थे और तो हम लोग नहीं गए, आज हम लोग जाने वाले हैं, तो इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पास से हम लोग बाबू को देख पाएंगे ना, इसलिए। दिव्य भी एक्साइटेड है, क्योंकि वो भी हमें बहुत दिनों के बाद देखने वाले थे, हम लोग तो बहुत ही एक्साइटेड है जाने के लिए, तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग भी उसे देख पाओगे कितने ऊँची ऊँची जगह पे घर है। मुझे नहीं पता था कि इधर भी इतने अच्छा रास्ता है और फिर घर भी है। अच्छा हुआ आज हम लोग इधर से आए, और मेरे पीछे देखते देखते है कि हम लोग किससे हिली एरिया में आए हैं, देखो पूरा एकदम। इस रास्ते पे भी बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर सुंदर
फूल है, बहुत सारे वैरायटीज के हैं। अभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि हम लोग किस रास्ते से होके जाए। मैंने कहा ना कि हम लोग फूल तोड़ने वाले हैं, लक्ष्मी को जाए। और हम लोग अभी जिस रास्ते से होके जा रहे हैं, थोड़ी देर में हम लोग जुम्बस से पहुँच जाएंगे। मतलब इधर शॉर्टकट है, देखती हूँ पापा कहाँ तक जाते हैं। पूरा रास्ता ठीक था, पर अभी देख रही हूँ कि इधर कुछ ठीक है नहीं रास्ता। रास्ते की हालत देख के, मतलब सामने अच्छा नहीं है, तो हम लोग अभी घूम रहे हैं। मतलब वापस हम लोग घर पे चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे रास्ते पे माँ नहीं चल पाएगी। जगह जगह पर गड्ढे हैं, तो हम लोग भी अभी चले जाएंगे। और दिन अच्छा हो, मतलब बारिश ना हो, तो हम लोग मेन मतलब मैं जुम्बस्ते जाएंगे, तभी मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी। और आज हम लोग वापस घर पर ही चले जाएंगे। आते वक्त माँ हमारे साथ थी, पर अभी तो उन्हें रास्ता पता चल गया है। सबसे फास्ट फास्ट वही चल रही है अभी। आज बहुत दिनों के बाद चल के अच्छा ही लगा। अभी एक आदत सी बन गई है, मतलब मॉर्निंग को चलने से ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सामने रास्ते में बहुत सारा फूल गिरा हुआ है, लेती हूँ। बहुत छोटे छोटे फूल हैं। ये देखो मैंने और भी लिए हैं। वाह, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है। हमारे घर के पास भी है, और ये दुर्गा पूजा से पहले, मतलब ये सब फूल आते हैं। हर वक्त ये सब फूल नहीं होता, और एक ना फीलिंग से आ जाती है। मतलब ये फूल निकला है तो दुर्गा पूजा भी सामने ही होगा। इसका स्मेल ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। यही तीन चार फूल, अभी दो फूल गिर चुका है, सिर्फ दो ही हैं। घर पे जाते जाते ये भी मतलब सज जाएंगे। जाते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिए, पर मुझे लगता है कि पूरे बदरपुर में शायद इसी जगह पर बैम्बू ट्री है, क्योंकि मैंने और कहीं भी नहीं देखे कभी भी। इधर भी है, इस जगह में बहुत सारे हैं, थोड़े थोड़े करके, पर मैंने ना पूरे बदरपुर में कहीं पर भी बैम्बू नहीं देखी। मैंने जाते वक्त सच में ध्यान नहीं दी, पर अभी आते वक्त मैं देख रही हूँ। अब
अभी हम लोग ऑलमोस्ट हमारे घर के सामने आ चुके हैं। अभी 6 बज चुका है क्योंकि आज हमें निकलते हुए ही 5:30 बज गए। मैंने कहा ना बारिश था इसलिए। पर वेदर को देख के लग रहा है कि अभी ज़्यादा देर हुई भी नहीं है। एक्चुअली अभी लोग निकलने लगे हैं। रेल ट्रैक पे मैं देख रही हूँ कि अभी लोग चल रहे हैं क्योंकि वेदर तो ठीक ही है और इसलिए शायद लोग अभी निकले हैं। हम लोग तो ऑलमोस्ट घर के सामने पहुंच चुके हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।